भगवान विष्णु के तीसरे प्रमुख अवतार हैं वराह अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वराह जयंती का पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने इस दिन वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था। वराह जयंती के अवसर पर भक्त लोग भगवान विष्णु का भजन कीर्तन, उपवास एवं व्रत इत्यादि का पालन करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वराह अवतार की कथा इस प्रकार से है। एक बार दो राक्षस थे जिनके नाम हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप थे। इन दोनों ने ब्रह्मा की तपस्या की। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या चाहते हो? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने उत्तर दिया, प्रभु हमें ऐसा वर दीजिए जिससे ना तो कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके और मानव जाति का कोई ना मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए। इन्होंने सोचा कि हम अमर हो गए हैं, मन में जो आएगा वो करेंगे। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी अपने से छोटा मानने लगे। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। उसने वरुण देव के समक्ष उपस्थित होकर कहा, वरुण देव, आपने दैत्यों को पराजित करके राजस्व यज्ञ किया था, आज आपको मुझे पराजित करना पड़ेगा। कमर कसकर तैयार हो जाइए, मेरी युद्ध की प्यास को मिटाइए। हिरण्याक्ष की बात सुनकर वरुण के मन में रोष तो उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने भीतर ही भीतर उसे दबा दिया। वे बड़े शांत भाव से बोले, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ? तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके, अतः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। वरुण देव की बात सुनकर उस राक्षस ने देवऋषि नारद के पास जाकर नारायण का पता पूछा। देवऋषि नारद ने उससे बताया कि नारायण इस समय वाराह का रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हैं। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया। वहां उसने भगवान वाराह को अपने दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वाराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया है? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया है। रे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। वह कभी उन्हें निर्लज कहता, कभी कायर कहता और कभी मायावी कहता, पर भगवान विष्णु केवल मुस्करा कर रह जाते। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन बाणों से उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु धरती को पानी से भर ले आए और तब हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया, लेकिन हिरण्याक्ष अब भी भगवान को अपशब्द बोले जा रहा था। भगवान को अब क्रोध आ गया। भगवान बोले कि बेकार की बात करनी आती है या युद्ध करना भी आता है? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो आगे और मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष को इतना क्रोध आया कि वह हाथ पे त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान वाराह और हिरण्याक्ष के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया, चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष अपनी माया का प्रयोग करने लगा। वह कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता, कभी अट्टहास करता तो कभी डरावने शब्दों में रोने लगता, कभी रक्त की वर्षा करता तो कभी हड्डियों की वर्षा करता।
भगवान विष्णु उसके सभी माया कृत्यों को नष्ट करते जा रहे थे। जब भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को बहुत नचा चुके तो उन्होंने उसकी कनपट्टी पर कसकर एक चपत जमाई। उस चपत से उसकी आंखें निकल आई, वह धरती पर गिरकर निशेष्ट हो गया और अंत में हिरण्याक्ष का भगवान वाराह के हाथों वध हो गया। भगवान वाराह के विजय प्राप्ति करते ही ब्रह्मा जी सहित समस्त देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। एक अन्य कथा जो श्रीमद् भागवत पुराण में आई है उसके अनुसार ब्रह्मा ने मनु और सतरूपा का निर्माण किया। एक दिन स्वयंभू मनु ने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता हैं, आप ही जीविका प्रदान करने वाले भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके, हमें सेवा करने की आज्ञा दीजिए। मनु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने मुझसे आज्ञा मांगी है और आत्मसमर्पण किया है। पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए, उन्हें अपने पिता की आज्ञा आदरपूर्वक पालन करनी चाहिए। तुम धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी। मनु ने कहा, पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूँगा, लेकिन इसके लिए तो पृथ्वी की ज़रूरत होगी और पृथ्वी को वो दुष्ट हिरण्याक्ष खींच कर रसातल में ले गया है, मैं पृथ्वी का पालन कैसे करूँ। पृथ्वी का हाल सुनकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए। वह पृथ्वी के उद्धार की बात सोच ही रहे थे कि उनकी नाक से अचानक अंगूठे के आकार का एक वराह निकला। वराह शिशु देखते ही देखते वह पर्वताकार होकर गरजने लगा। ब्रह्मा जी को भगवान की माया समझते देर न लगी, भगवान की घुरघुराहट सुनकर वे उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से वराह भगवान प्रसन्न हुए, वे जगत कल्याण के लिए जल में घुस गए। थोड़ी देर बाद वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आ गए। उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। जल से बाहर निकले हुए भगवान को देखकर ब्रह्मा जी आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर वाराह भगवान ने अपने खुरों से जल को रोककर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। पृथ्वी का उद्धार करने वाले वाराह भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणा।